वापसी का काम जोरों शोरों से चल रहा है, इस पर क्या प्रगति है, क्या प्रोग्रेस है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डीएफसी के सीएमडी अनुराग सचान जी, आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, अभी तक की अगर हम बात करें तो क्या प्रोग्रेस है, क्या कोई सेक्शन खोलने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग दो कॉरिडोर में अभी काम कर रहे हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर है और वेस्टर्न कॉरिडोर है, तो इसमें दोनों में काम चल रहा है। पिछले साल हम लोग कुछ ट्रायल रन करे थे और इस साल हम लोग दोनों कॉरिडोर में मिला के करीब 990 किलोमीटर का सेक्शन जो है वो कमीशन करने जा रहे हैं। एक सेक्शन जो वेस्टर्न कॉरिडोर में अगर देखें तो वो है रेवाड़ी से लेके पालनपुर, करीब 650 किलोमीटर का सेक्शन है। काम करीब करीब कंप्लीट होने जा रहा है, फाइनल स्टेज में है। और ईस्टर्न कॉरिडोर में अगर बात करें तो खुर्जा से लेके कानपुर तक, तो उसका खुर्जा बदान सेक्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ट्रायल ट्रेन चला रहे हैं और डेली 20 गाड़ियां उसमें ट्रायल के फॉर्म में ही चल रही हैं। तो ये दोनों सेक्शन हम लोग कुल मिला के करीब 990 किलोमीटर का बनता है जो इस साल हम लोग कंप्लीट करेंगे। सर, जैसे आप बता रहे हैं कि खुर्जा और भदान के बीच में ट्रायल में ही 20 गाड़ियां चल रही हैं, तो मतलब इधर कुछ प्रेशर कम हुआ होगा मेन लाइन पर? देखिए, अगर आप इंडियन रेलवे का देखें तो NCR जो है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, सबसे ज़्यादा इसमें गाड़ियाँ चलती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ चलती हैं और गुड्स का भी बहुत लोड रहता है, एवरेज स्पीड बहुत कम है। तो जैसे ही अभी एक टुंडला का NI हुआ था जिसमें कि गाड़ियाँ कम चला पा रहे थे, तो हमने करीब 20 गाड़ियाँ अपने उसमें शिफ्ट की थी और उसके DFCC में फ्रेट गाड़ियों को शिफ्ट करने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था। पैसेंजर ट्रेन ठीक चलने लगी थी, उनके इंटरचेंज ज़्यादा हो गए थे, तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा NCR को हुआ है। सर, इसको फॉर्मली कब खोलेंगे, यानी कमीशन कब करेंगे, अगर भदान और खुर्जा की बात करें? हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को, रेलवे बोर्ड को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है और वो डेट डिसाइड करेंगे। हम बिल्कुल तैयार हैं, जैसे ही डेट मिलेगी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मंत्री जी ने लिखा है, रेलवे मिनिस्टर ने, तो जैसे ही मिलेगा तो इसका हम लोग इनॉग्रेशन कर देंगे। सर, अब अगली बात करते हैं, रेवाड़ी और पालनपुर की अगर आप बात करते हैं तो वो सेक्शन जो है कब तक हम मान के चलें कि कमीशन हो जाएगा? देखिए, उसका एक पोर्शन है, अगर हम दो पार्ट में बांट लें, रेवाड़ी से लेके मदार तक हम लोग काम कंप्लीट कर चुके हैं, करीब 300 किलोमीटर का सेक्शन है और वो हम लोग दिसंबर एंड तक उसको कमीशन करने का प्लान कर रहे हैं। और मदार से लेके पालनपुर तक काम तेज़ी से चल रहा है, उसको भी हम लोग मार्च 2020 में कंप्लीट कर देंगे और उसको भी कमीशन करेंगे। सर, DFC को गेम चेंजर माना जाता है और अगर अभी तक के काम की बात करें तो ये कहा जाता है कि जो इसका तय शेड्यूल था उससे लेट है, तो किस तरीके से गेम चेंजर है और पूरा का पूरा कब कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, हमारा जो इंडियन रेलवे का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसको कहते हैं, करीब करीब 16% 3-4 मेट्रोपोलिटन को जोड़ता है, 16% ट्रैक है और ये पूरी तरह से सैचुरेटेड है, तो हम चाहकर भी उसमें गाड़ियाँ नहीं चला पाते हैं। इसी वजह से रेलवे का जो फ्रेट का शेयर है वो रोड को शिफ्ट हो गया है। तो जैसे ही हमारा DFCC ये दो कॉरिडोर ईस्टर्न और वेस्टर्न बन जाएंगे, तो वो जो रोड को चला गया था हमारा ट्रैफिक, वो हमको वापस मिलेगा। और जैसे ही वो रोड से ट्रैफिक हमको शिफ्ट होगा तो रोड डीकंजेस्ट हो जाएंगी, तो आप सोचिए कितना बड़ा फ़ायदा होगा और फ्यूल का सेविंग होगी और हमारी कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट कम होगी। तो कुल मिला के जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है हमारे देश में जो है, जो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ 14% है कंपेयर टू जो 8% जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में उसमें है, तो इससे हम लोग $45 बिलियन करीब करीब हर साल हमारा लॉस होता है। तो ये लॉसेज हमारे कम होंगे तो हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, तो इसीलिए इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि $45 बिलियन बचेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा कंप्लीट कब हो पाएगा? पूरे के पूरे DFC की हम बात कर रहे हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों की अगर हम बात करें, 2800 किलोमीटर टोटल सेक्शन है जो अभी हम लोग ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर में काम कर रहे हैं। उसके अलावा एक PPP प्रोजेक्ट जिसका आज हम रोड शो कर रहे हैं, वो करीब 500 किलोमीटर का है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो 2800 किलोमीटर में से 990 किलोमीटर हम इस साल कर देंगे और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है, जो बॉम्बे को जोड़ता है या लुधियाना को ऊपर जाके जोड़ता है, वो हम लोग 2021 के एंड में, लाइक दिसंबर 2021 तक कंप्लीट कर देंगे। सर, जैसे PPP मोड की जब हम बात करते हैं तो किन किन कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है इस पूरे सेक्शन में? जैसे EDC की जब बात करते हैं, 500 किलोमीटर की जिसकी बात हो रही है, आज हमने जो स्टेक होल्डर मीटिंग रखी थी, इसमें जो अगर फंडिंग एजेंसीज की तरफ से देखें तो वर्ल्ड बैंक, जायका, दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ फंड हाउसेज यहाँ पर हैं और जो कुछ बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जैसे कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, L&T है, इरकॉन है और इस तरह की और भी कंपनीज हैं, वो लोग आए। करीब 19 एजेंसीज़ ने रजिस्ट्रेशन किया है और वो यहाँ पर आज अटेंड कर रहे हैं। पूरे दिन हमारा सेमिनार चलेगा, हम लोग उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या उनके क्या सजेशंस हैं, उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। वी वांट दैट कि ये दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट शुड बी अ ग्रेट सक्सेस एज अ PPP। सर, एक आखिरी सवाल, अगर हम
पूरी की पूरी DFC की बात करें तो कहा जा रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, साथ ही साथ जो मालगाड़ियाँ होंगी बड़ी लंबी लंबी मालगाड़ियाँ होंगी, तो कितनी लंबी लंबी मालगाड़ियाँ होंगी, कौन से इंजन लगाएंगे आप लोग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मालगाड़ियों की स्पीड कितनी हो जाएगी और अभी क्या है? इंडियन रेलवे जो मालगाड़ियाँ चलती हैं उनकी एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर करीब करीब आती है, बिकॉज मिक्स टाइप का ट्रैफिक है। हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सभी गाड़ियाँ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी, और एक गाड़ी का लोड जो है वो लॉन्ग हॉल कहते हैं, लॉन्ग हॉल एंड हैवी हॉल, एक गाड़ी 13,000 टन का ट्रैफिक लेके चलेगी और उसमें हाई पावर लोकोमोटिव लगा होगा। स्पीड उसकी एवरेज स्पीड करीब करीब 75 किलोमीटर पर आवर आएगी, ऐसा हम लोगों ने अनुमान लगाया है ट्रायल में। तो इससे किसी भी पॉइंट टू पॉइंट जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी विद इन 24 आवर्स JNPT से लेके दादरी दिल्ली 24 घंटे के अंदर किसी का भी सामान आ जाएगा। तो ये डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा लॉजिस्टिक्स के हिसाब से। अनुराग जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अनुराग सचान जी, जो बता रहे थे किस तरीके से फ़ायदे होंगे। कहीं ना कहीं DFC गेम चेंजर साबित होगा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए।